2 साल से श्री विधि के खेती हम कर रहे हैं। पहले तो हम डर रहे थे कि इसमें ज़्यादा मेहनत ज़्यादा मजदूरी लगता है, इसलिए डर रहे थे, लेकिन अभी हम श्री विधि से खेती कर रहे हैं। जनरल विधि में तो बेड बनाने का ज़रूरत नहीं है, और श्री विधि वाला में बेड बनाने का इसलिए ज़रूरत होता है कि इसमें आधा बेला का मजदूर लगाना पड़ता है। श्री विधि रोपाई करने में मजदूर कम लगा, निकौनी करने में उसमें कोनी बीडर मशीन का ज़रूरत है, उसमें भी मजदूर कम लगा। श्री मतलब जनरल विधि से खेती की है तो उससे थोड़ा ज़्यादा, 1 दिन का ज़्यादा मजदूरी लगा श्री विधि धान का खेती में। श्री विधि खेती करने से मुझे 50 किलो जो अधिक उपज आया उसको 10 रुपये के भाव से यदि बेचेंगे तो मुझे 500 रुपया फ़ायदा होगा। श्री विधि का खेती जनरल विधि से कोई अलग विधि नहीं है। इसमें श्री विधि खेती करे से मजदूर भी ज़्यादा लगता है, उपज भी ज़्यादा होता है, इसलिए श्री विधि किए हैं और करेंगे भी। जब हम श्री विधि से खेती करने लगे तो VRP भी बहुत मदद किए हैं। VRP से समय समय पर जानकारी लेते रहें और सवाल पूछते रहें। इस साल भी श्री विधि से हम खेती करेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे।